जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बां तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गज़ल एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आँख का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ नाज़रीन, ये मशहूर गज़ल अभी अभी आपने समाअत फरमाई और इसके खालिक हैं हज़रत जिगर मुरादाबादी, जिनके नाम हमारी ये आज की किस्त मंसूब है। लेकिन उनको खराज अकीदत पेश करने से पहले मैं अपने जज साहिबान से आपको रूबरू कराना चाहूँगी और उनका ज़ोरदार इस्तकबाल करना चाहूँगी, मोहतरम कुलराज बेदी साहब और मोहतरम विकास आनंद जी। तो आइए हज़रत जिगर मुरादाबादी की हालात ज़िंदगी पर देखते हैं एक दस्तावेजी फिल्म। जिगर मुरादाबादी का असली नाम अली सिकंदर था। वो 6 अप्रैल सन 1890 को बनारस में पैदा हुए। अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम उन्होंने मुरादाबाद के एक मदरसे में हासिल की। उसी ज़माने में शायरी का चस्का लगा तो उन्होंने ख़तो किताबत के ज़रिए उस ज़माने के मशहूर व अजीम शायर दाग दहलवी से इस्लाह लिया करते थे। जिगर की शायरी ने अवाम के दिलों में घर कर लिया और फिर उन्होंने शायरी को ही ओढ़ना बिछौना बना लिया। उनके 3 शेरी मजमूए दागे जिगर, शोलए तूर और आतिशे गुल शाये हुए। जिगर खालिस तगज़ुल के शायर हैं। उनके यहाँ जो शैवतगी और वारफ्तगी है उसकी नज़ीर कम ही मिलती है। दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। तो अभी अभी आपने देखी उनके हालात ज़िंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म और अब मैं अपने मेहमान फनकार, जी हाँ जनाब हर्ष व्यास को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और उनको खिराज अकीदत पेश करें। आ
नाज़रीन, मैं जानती हूँ आपकी और मेरी नज़र दोनों ही मरकूज़ हैं हमारे जज साहिबान पे। तो आज देखना है कि वो कौन से दो उम्मीदवार हैं जिन्हें सबसे कम नंबर मिले और जो इस जुनून गज़ल से खारिज कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं अपने जज साहिबान के पास। नंबरों के ऐलान से पहले
मैं अपने सभी उम्मीदवारों को इस जलसागाह में बुलाने की दावत देती हूँ। तो नाजरीन, अब फैसले की घड़ी आ गई है और हमारे सभी उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं सीधा अपने जज साहिबान के पास। जज साहिबान, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आपके फैसले का। जी, हमें भी बहुत मुश्किलात हुई चुनने में कि कौन बेस्ट चार हैं इन छः में से, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन छः में से बेहतर चार चुनने की। तो पहले उससे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी चार हैं और बचे हुए दो जो खारिज होंगे वो मायूस ना हो, अभी मंजिलें और भी हैं, आगे और जाना है और यहीं पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो जजमेंट सुनाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, विकास जी, सबसे पहले उन दो के नाम ले रहा हूँ जो महफूज हैं, जो बिल्कुल महफूज हैं, उन दोनों के नाम, वो दोनों जा सकते हैं इस फील्ड से। उसके बाद हम उन चारों में से दो महफूज और दो खारिज बताएंगे। तो जो दो पहले महफूज हैं वो हैं आदित्य और गिरीश। आप दोनों महफूज हैं, आप लोग जा सकते हैं। और बाकी के चार कंटेस्टेंट में दो महफूज हैं और दो खारिज हैं, उनका मैं सर आगे। अब एक महफूज का नाम लूंगा, बिल्कुल जैसे आप। एक महफूज का नाम, और वो महफूज हैं अनन्या जी। आप क्या महफूज बात हैं है। अब आप जा सकती हैं। अब आप तीनों में से कोई एक महफूज है और दो खारिज हैं। मेरी तो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। अब दिल की धड़कनें मत बढ़ाइए, मैं नाम ले रहा हूँ और उस नाम से आप समझ जाएंगे कि खारिज कौन है और महफूज कौन है। नाम है डॉक्टर प्रीति पारिख, लेकिन ये खारिज हैं। आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा हिस्सा लिया अभी तक हमारे साथ इस मौके पर। कुछ कहना चाहें आप ज़रूर कहें। हाँ, ज़रूर कहूँगी कि यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे मैं गाने के अलावा एंकरिंग भी करती हूँ, तो यहाँ आके मैंने उर्दू ज़बान बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। और एक शेर से आपसे विदा चाहूँगी कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो भाई, ये मैं समझती हूँ कि ये पहली ठोकर है, तो इस ठोकर से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसी कोई ठोकर ना लगे। नहीं नहीं, ठोकर नहीं है ये, तो इसको शिकस्त मत माने, इसको भी अपनी तरीके से एक जश्न मनाते हुए जाइए। कम से कम आपने 6 एपिसोड हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और अब बारी आपकी अनवर साहब और जिया जी आपकी। तो मैं जानना चाहता हूँ अनवर साहब, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप महफूज हैं कि आप खारिज हैं? सर, ये तो आप बता सकते हैं। नहीं, अपने दिल की बात, आपके दिल की बात जानना चाहता हूं। नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जया जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आपने? हमने भी किया है, लेकिन जो भी आपके सामने है, जो जजमेंट आएगा वो मंजूर होगा। जया जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर मैं महफूज अच्छा, नहीं हूँ तो कोई शिकायत नहीं मुझे। यहाँ पर हाथ रख के बोलिए, पूरी कोशिश की आपने, दिल पर हाथ रख के बोलिए। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की। बिल्कुल, चलिए आपको महफूज करते हैं और माफी चाहूंगा अनवर साहब आपसे मैं। और आप हमारे साथ, आपका सफर ही खत्म होता है, आप इस जुनून गजल से ही खारिज किए जाते हैं, लेकिन और आगे और मंजिलें भी हैं, जरूर मिलेंगे हम आप। जरूर जरूर सर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दुख तो हो रहा था मैं ये कहते हुए, लेकिन ये आप हार मत मानिए, आपकी जीत है। शुक्रिया सर, क्योंकि इस हार से आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, इंसान तो सब कुछ सीखता है, सीख सीख कर ऊपर जाता है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ से कुछ सीख कर जा रहा हूँ। ज़रूर आप कामयाब होंगे। ज़रूर, कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया सर। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, सबसे कम नंबरात मिलने की वजह से हमारे दो उम्मीदवार अनवर और डॉक्टर प्रीति पारिख आज हमारे इस प्रोग्राम से खारिज होते हैं।
लेकिन जाने से पहले जुनून गजल की तरफ से हम उन्हें एक तौसीफी सनद पेश करना चाहेंगे। जनाब मोमिन खान साहब की गजल पेश करने जा रहा हूं, इजाजत है। जाए वहाँ बने है ना बिन
जाए चैन क्या कीजिए, हमें तो है मुश्किल सभी तरह अटका कहीं जो आपका आदित्य साहब, आप तो किस्त दर किस्त और बेहतरीन होते जा रहे हैं। शुक्रिया। आइए पूछते हैं हमारे जज साहिबान से। किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आज के इस चीखने चिल्लाने के मौसीकी के दौर में इस तरह की ठहराव वाली आवाज़ दिल को बहुत सुकून देती है। बहुत अच्छे, बहुत उमदा। जब इतनी तारीफ कर चुके हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो मैं तारीफ़ की और, तो मैं और तारीफ़ कर देता हूँ कि बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए मैं अपनी दूसरी फनकारा को बुलाना चाहूँगी, अनन्या बसु। मेरी शाम गम को वो बहला अनन्या जी, बहुत खूब। आपकी ग्लुकारी से तो लगता है आप इस मुकाबले में जोरदार टक्कर देने वाली हैं। आइए पूछते हैं हमारे जज साहिबान से। अनन्या,
जी। बड़ी मेहनत और कोशिश से आप यहाँ तक तो पहुँच गई जी। आगे क्या सोचती हैं आप? कोशिश करूँगी और अच्छा गाने की और फाइनल्स तक पहुँचने की कोशिश करूँगी और आप सबको कंप्लेंट्स ना हो वैसा और अच्छा गाने की कोशिश करूँगी। आप सबको सरप्राइज देकर जाएंगी? कोशिश तो मेरी यही है, अच्छा सरप्राइज हो और आप सब खुश हो मेरे गाने से, जिस तरह से मैं गाती हूँ और अच्छा गाऊँ। प्रीति साहब, कहते हैं कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन आप हमसे एक वादा कीजिए जी, जब भी गजल सराह हो आप या गजल की गुलकारी में हो आप जी, जब भी गजल पेश करें जी, तो जो ऊपर के नोट्स हैं जी, उनको जरा ध्यान से पेश करें जी, उसमें शाउटिंग नहीं लगनी चाहिए, चिल्लाना नहीं लगना चाहिए जी, क्योंकि वो भी गजल के अंदर आते हैं, चाहे हम इतनी ऊंची टीप पर चले जाएं जी, वो जरा ध्यान रखिएगा आप, ये हमसे वादा कीजिए आज। जी सर बिल्कुल। वादा करवा रहे हैं आप? यकीन है? इनके लिए यही कहूंगा सर, मेरे महबूब ने वादा किया था पांचवें दिन मिलने का, तभी पता लगा जिंदगी सिर्फ चार दिन की। तो चलिए इसी के साथ हमारी ये किस्त भी अपने अंजाम तक पहुंच गई है और हमारे महफूज हलके का जोरदार मुकाबला शुरू हो गया है। हर उम्मीदवार खूब मेहनत कर रहा है एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। अभी आपने दो उम्मीदवारों को सुना, बकिया दो उम्मीदवार अगली किस्त में अपनी गजल पेश करेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हर्षदा गौर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।